हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए जो है पार्ट थ्री लेकर आए, जो कि 3000 प्लस टॉप करंट अफेयर जो चल रहे हैं आपके 2020 के, उसका ये पार्ट थ्री है। तो रोज सुबह 2:10 बजे क्लास होती है, आपको 10 बजे यहां पर ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल, सभी को आशीष गुड मॉर्निंग। जयदीप, पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपको ये मिल जाएगी आपको 25 तारीख को, जो भी हमने पार्ट फोर कराया है उसके पीडीएफ 25 तारीख को, यानी कि कल आपको यहाँ पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। लेकिन 3-3 दिन का गैप होगा पीडीएफ में, जैसे ही 4 पार्ट कंप्लीट होंगे पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, ठीक है। पीडीएफ के लिए कॉडीज आ रही है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड, देखिए पहले जो 10-15 क्वेश्चन होंगे वो सितंबर के होंगे, फिर अगस्त का इसमें हम करेंट अफेयर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल बिजनेस ग्रुप ऑफ फेसबुक इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसे फेसबुक इंडिया, किसका, फेसबुक इंडिया का ग्लोबल बिजनेस ग्रुप के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको आंसर देना है कौन होंगे। जिसको नहीं आता है, नो करना है, आता है तो वो आंसर दे, क्या होगा इसका आंसर। तो ये जो है ये बन गए अभी ग्लोबल बिजनेस ग्रुप ऑफ फेसबुक इंडिया के, ये हैं आपके अरुण श्रीनिवास। कौन बन गए? अरुण श्रीनिवास इसके बन गए हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकम द फर्स्ट वन इशू द वर्ल्ड फर्स्ट सोवरेन बॉन्ड। बात हो रही है संप्रभु ब्रांड की, तो पहली ऐसी कंट्री कौन सी बन गई है जिसने जो फर्स्ट सोवरेन बॉन्ड लिंक जो है वो सस्टेनेबल, इससे क्या होगा कि जो आपका डेवलपमेंट होगा, जो विकास होगा उसमें ये बढ़ावा देगा, तो ये पहली कंट्री कौन सी बन गई ये आपसे पूछा गया है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, जिसने कि फर्स्ट सोवरेन बॉन्ड लिंक किया है हाल ही में, यूएन के द्वारा ये डिसाइड किया गया है, कौन सी कंट्री है। तो ये आंसर दीजिए, गुड मॉर्निंग सभी को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मेक्सिको। देखिए ये थोड़े सितंबर के करंट अफेयर है, तो थोड़ा आपसे नहीं बन सकता, ये थोड़ा टफ होंगे यहाँ पर, तो मेक्सिको यहाँ पर होगा। मेक्सिको देखिए क्या है सोवरेन बॉन्ड, इसमें क्या होता है कि जो भी इनके जो बजट होते हैं तो ये बजट में कम ज्यादा डिसाइड कर सकते हैं, ये सोवरेन बॉन्ड होता है। जैसे कि एक आरबीआई ने निकाला था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो उसमें क्या होता था कि जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो आपके जो गोल्ड के जो प्राइस वो कम हो जाते थे, तो उसी टाइप से ये सोवरेन बॉन्ड है, इसमें कम ज्यादा हो सकता है। तो ये मेक्सिको, मेक्सिको के बारे में आपसे पूछा जाता है कि इसकी आपको बताना है कैपिटल क्या है, मेक्सिको की कैपिटल आप बताइए, मेक्सिको की कैपिटल क्या है जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मेक्सिको की कैपिटल क्या है। तो इसकी जो कैपिटल है वो है मेक्सिको सिटी। क्या है कैपिटल? मेक्सिको सिटी इसकी कैपिटल है। और करेंसी की बात करें तो करेंसी इसकी जो है वो पेसो करेंसी है। क्या है? पेसो है इसकी करेंसी। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी स्पेस में विस्तारित अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए जो है एनवीआईडीए पार्टनर नेटवर्क के साथ साझेदारी की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंसी स्पेस ने किसके साथ आपका एनवीडीआई इसको बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को किसके साथ पार्टनरशिप की है आपको बताना है, क्या होगा इसका आंसर। तो ये कंपनी आपकी कौन सी है, आपको नहीं आता है तो भी आंसर देना है, गलत होगा एग्जाम में सही होगा, आपको आंसर देना है इसका क्या होगा आंसर। तो इसका जो आंसर है वो HCL। तो HCL जो कंपनी है वो आपकी जो है निविदिया का पार्टनर बनेगी, ठीक है, जो आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है उसमें ये जो उस अवसर को बढ़ाने में ये मदद करेगी, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल डिस्कॉम ऑफ विच स्टेट, हाल ही में किस राज्य का केंद्रीय डिस्कॉम ई ऑफिस प्रणाली अपनाने वाला देश का पहला वितरण कंपनी बन गया है। किस राज्य का केंद्रीय डिस्कॉम ई ऑफिस प्रणाली अपनाने वाला देश का पहला बिजली वितरण कंपनी बन गया, आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। कौन सा है जो डिस्कॉम ई ऑफिस प्रणाली वाला जो है पहला प्रदेश है ये, कौन सा प्रदेश है ये, देश नहीं है प्रदेश है ये, प्रदेश कौन सा बन गया आपको बताना है। तो ये जो प्रदेश है वो है आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में क्या किया, जो ई डिस्कॉम ऑफिस प्रणाली इसका जो है पहली ये डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला पहला प्रदेश बन गया है। अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी 10 जुलाई को, ये जो सबसे एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट वो भी कहां पर है आपका मध्य प्रदेश में, तो ये भी आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में और ये आपको रीवा में है, कहां पर है रीवा में, आपको ये याद रखना है। तो रीवा में मध्य प्रदेश से न्यूज, ये रिसेंट क्वेश्चन बन सकता है जिसका इनॉग्रेशन किया था नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हु अमोंग द निम्नलिखित में से किसे पेटीएम फर्स्ट गेम का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? निम्नलिखित में से किसे, आपको बताना है किसे पेटीएम फर्स्ट गेम का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर? मेरे पास कमेंट ही नहीं आ रहा है। अच्छा, एस राहुल है, काजल है, कमेंट नहीं आ रहे थे। तो इसका जो पेटीएम फर्स्ट गेम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये आपको आंसर देना है। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर? तो हाल ही में जो पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं वो हैं आपके सचिन तेंदुलकर। सही है, सचिन तेंदुलकर जो है, बिल्कुल राइट है इसका आंसर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर सही है। सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, आप याद रखना। अभी हाल ही में एक सोनू सूद को बनाया गया है। किसका बनाया गया है? सोनू सूद को, जल्दी बताइए। सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एक लीग है, एक जो आपका जो फैंटेसी लीग है, जैसे कि ड्रीम इलेवन है। किस, हाँ हो गया, अब हो गया, रिफ्रेश कर दिया। तो बताइए किसको बनाया गया है? अभी फैंटेसी लीग हुई है, सोनू सूद को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में एड देखा होगा आपने, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सोनू सूद से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका, किसका बनाया गया है सोनू सूद को, बताइए। इसके बाद चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच स्टेट हैज अनाउंस सब्सिडी स्कीम ऑफ ई स्कूटर्स रिक्शा? हाल ही में किस राज्य ने ई स्कूटर रिक्शा के लिए सब्सिडी योजना की घोषणा की है? शालिनी यादव सही है, सचिन तेंदुलकर होगा उसका। बताइए किस राज्य ने ई स्कूटर रिक्शा के लिए सब्सिडी योजना की घोषणा की है? हाल ही में ये घोषणा हुई है, ई स्कूटर रिक्शा के लिए सब्सिडी मिलेगी। अब किसने की है, आपको बता रहा है आंसर क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर? बी गुजरात, बिल्कुल सही है काजल, राहुल सही है आपका आंसर। गुजरात जो है, गुजरात ने अभी ई स्कूटर रिक्शा वाले जो भी आप इनके लिए सब्सिडी योजना यहां पर शुरू की है, सब्सिडी इनको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, यहां पर यह है कि जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए युवा वर्ग के 2020 वर्ग की सूची में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय को नामित किया गया है? यूएन की लिस्ट में 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए किसको नामित किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। हाल ही में लिस्ट जारी हुई यूएन की, जिसमें आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसके लिए युवा वर्ग में 2020 वर्ग की सूची में इंडिया के हैं, इसलिए इंपोर्टेंट बन जाता है। उदित सिंगल, सत्यन द्विवेदी, बिल्कुल सही है आपका आंसर, ये इसका आंसर होगा। उदित सिंगल, सबको आंसर देना है, नहीं आता तो भी आंसर देना है, ठीक है, याद रहता है इससे। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग, सही है काजल, हु अमंग द फॉलोइंग निम्नलिखित में किसे 2020 डेटन साहित्य शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपको बताना है 2020 का डेटन साहित्य शांति पुरस्कार, लिटरेसी पीस प्राइज 2020, डेटन की बात हो रही, किसको दिया गया है? आंसर बताइए, राहुल सही है, उदित सिंगल होगा उसका आंसर। इसका आंसर बताइए, 2020 का डेटन साहित्य शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर है आपका, हाँ, मार्गेट, सत्येंद्र द्विवेदी बिल्कुल सही है, काजल इसका आंसर होगा मार्गेट एटवुड। ठीक है, इसका आंसर होगा मार्गेट एटवुड को, जो है वो हाल ही में 2020 का डेटन लिटरेसी प्रीज प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, आपको ये याद रखना है इसके बारे में, ये क्वेश्चन अवार्ड से एक जरूर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के हिस्से के रूप में, अभी क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने अपने मैप में भारत के कुछ हिस्सों को दर्शाया था। ठीक है, ये आपको पता होगा, रिसेंटली न्यूज में आया था, अगस्त की बात है। तो अब ये जो मानचित्र में इन्होंने दर्शाया, तो इसके कारण एससीओ की जो मीटिंग हुई थी, उससे मीटिंग से क्या हुआ, अजीत डोभाल ने ये फैसला लिया, और पीएम जो हमारी गवर्नमेंट, उसने ये फैसला लिया कि हम जो है एससीओ की मीटिंग से बाहर हो गए, इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तो आपको बताना है कि जो एससीओ की मीटिंग है वो मेजबानी कौन कर रहा है, कहां पर ये एससीओ की मीटिंग हो रही है, ये आपको बताना है। काजल बिल्कुल आपका रसिया है इसमें, काजल त्यागी रसिया होगा इसका आंसर, और सचिन द्विवेदी बिल्कुल सही है, रसिया जो है, रसिया इसकी मीटिंग कर रहा है, भारत ने इसमें नाम वापस ले लिया। ये क्वेश्चन फाइव स्टार क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है एससीओ की मीटिंग में भारत अब नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया था कि कुछ इंडियन टेरिटरीज के नाम अपने मानचित्र में दर्शा दिए थे। ठीक है, आपको याद रखें, राहुल बिल्कुल सही है, रसिया इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड टू टीचर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बनने वाला है, पांच स्टार क्वेश्चन लगा दीजिए। किसे शिक्षक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? आपको बताना क्या होगा इसका आंसर, बताइए इसका आंसर क्या होगा,
किसको चुना गया है, हाल ही में ये हुई है, किसको चुना गया इसका, अभी जो नेशनल टीचर्स अवार्ड दिए गए थे 2020 के शिक्षक दिवस पे, 5 सितंबर की बात है ये, तो ये किसको चुना गया है? सोनम आहूजा नहीं है, गजेंद्र सिंह योगी सोनम आहूजा नहीं है। देखिए इसमें शिक्षक कैटेगरी में ये जो है वो आपकी लद्दाख की है, इनका नाम है सोनम ग्यालस्तन। क्या नाम है इनका? सोनम ग्यालस्तन इनका नाम है, आपको याद रखना है। क्या नाम है इनका? सोनम ग्यालस्तन, ठीक है। ये आपकी है कहां की? ये आपकी लद्दाख की है, देखिए लद्दाख की है, आपको याद रखना है इसमें, ठीक है, ये लद्दाख की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में किसे 2020 के लिए घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की, हाँ डी होगा इसका, सही है, सूची में दौड़ना चाह, आहूजा से कंफ्यूज नहीं होना, इसका जो होगा आंसर आपको याद रखना है सोनम ग्यालस्तन होगा, ठीक है, ये लद्दाख की है। निम्नलिखित में किसे 2020 के लिए घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की सूची में दौड़ना चार पुरस्कार जीता है, किसने जीता है दौड़ना चार पुरस्कार आपको बताना है। दौड़ना, हाँ सालनी, सही है, डी होगा इसका आंसर। अब बताना है कि दौड़ना चार पुरस्कार इनमें से, देखिए एक क्वेश्चन तो यहां से बनने वाला है, स्पोर्ट कैटेगरी नेशनल स्पोर्ट अवार्ड जो मिले वहां से एक क्वेश्चन बनेगा, तो आप बताइए कि जो दौड़ना चार पुरस्कार इनमें से किसने जीता है? अजीत सिंह है, लाख सिंह है, शिव सिंह है, जिंसी फिलिपिंस है, क्या होगा इसका आंसर? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ओलिविया, इसका आंसर बताइए। तो ये जो जीता है वो आपका जीता है ओलिविया, बिल्कुल सही है, सी इसका राइट आंसर होगा, शिव सिंह ने जो है वो दौड़ना चार पुरस्कार 2020 का जीता है। एक क्वेश्चन यहां से जरूर बनेगा, स्टार लगा लीजिए, ठीक है। इसके कब दिए गए थे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, आपको ये बताना है कब कब दिए गए थे। हाँ शिव सिंह राहुल, बिल्कुल सही, गजेंद्र शिव सिंह होगा इसका आंसर, ठीक है। ये कब दिए गए थे, कौन सी तारीख को दिए गए थे बताइए? हाँ 29 अगस्त, सत्येंद्र द्विवेदी बिल्कुल सही है, गजेंद्र बिल्कुल सही, सालनी बिल्कुल सही, शिव सिंह होगा इसका आंसर। आगे चलते, 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, क्वेश्चन बनता है आपको बताना है। निम्नलिखित में किसने मेरी बासना लाल चित्र शीर्षक से पुस्तक जारी की है, देखिए आपको बताना है कि जो मेरी बासना लाल चित्र जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हु पेंटेड माय लस्ट्रेड शीर्षक से पुस्तक किसने जारी की है आपको बताना है, किसने रिलीज की है ये पुस्तक। 29 अगस्त को आपका क्या मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है गजेंद्र सत्येंद्र, बिल्कुल सही है, ठीक है। पीडीएफ आप सभी को इसका मिलेगा कल, ठीक है, चारों पार्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लें, लेकिन 3-3 दिन के जो गैप में है वो पीडीएफ इसका मिलेगा, ठीक है। अब आपको बताना इसमें क्या आंसर आएगा, जो मेरी बासना लाल चित्रित जो है हु पेंटेड माय लस्ट रेड है ये किसने लिखी है, नेशनल स्पोर्ट डे राउंड, बिल्कुल सही है। तो ये जो बुक लिखी है वो लिखी है आपकी, जो रिलीज की है वो की है श्री अय्यर ने, किसने की है, श्री अय्यर की ये बुक है जिसका नाम है हु पेंटेड माय इलस्ट्रेट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा, सही है सत्येंद्र राहुल, सही है आपका, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हाल ही में किस बैंक ने देश में कहीं से भी दूर से बैंक के साथ काम करने वाली कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए कौन सा गिग अपॉर्चुनिटीज जो है वो लॉन्च किया था। देखिए जो भी भारत में कुशल प्रतिभा है जिसमें भी टैलेंट है उसके लिए यहां पर दूर से वहीं से घर बैठे यहां पर काम कर सकते हैं, जो जहां भी है जिस सिटी में भी, जैसे बेंगलोर में है तो बेंगलोर से बैठे भोपाल में काम कर सकते हैं। तो ये जो गिग अपॉर्चुनिटी है ये स्किल टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए किस बैंक ने लॉन्च किए बताना है। गिग अपॉर्चुनिटी कीवर्ड आपको याद रखना है, बिल्कुल सही है, जो एक्सिस बैंक है इसका आंसर ओलिविया, सही है आप सही है आपका आंसर, गिग अपॉर्चुनिटी जो है वो एक्सिस बैंक का है, याद रखना है आपको। काजल इसका एक्सिस बैंक होगा, सत्येंद्र एक्सिस बैंक, बिल्कुल सही है। एक्सिस बैंक के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, एक्सिस बैंक की स्थापना बताइए, साल ने बिल्कुल सही है, एक्सिस बैंक इसका आंसर होगा। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है एक्सिस बैंक वैसे ही न्यूज में रहा है तो इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये टैलेंट को, जो भारतीय टैलेंट है उसको उभारने के लिए घर बैठे कहीं से भी ये काम कर सकते हैं तो एक्सिस बैंक ने चालू किया। इससे आप याद करने का तरीका आपको बता दो, जिसको याद नहीं हो एचडीएफसी नहीं है इसका, इसका होगा एक्सिस बैंक। देखिए ये गिग ए जो लिखा है ना आपका, ए से आप याद रखें, ये ए जो है अलग कीवर्ड है, ए से आता है आपका एक्सिस बैंक, क्या आता है आपका एक्सिस बैंक आता है, तो ए से आपको याद रहेगा। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक के बारे में, राहुल भूल रहे हो तुम, विच स्टेट असेंबली हैज पास्ड रेजोल्यूशन ऑफ ब्रिंग स्टेट इन द सिक्स्थ शेड्यूल, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने, देखिए एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1993 में हुई थी, आपको याद रखना है, ठीक है, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद ये बताना है कि किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को छठी अनुसूची के तहत लाने का प्रस्ताव जारी पारित किया, आपको बताना है इसका क्या होगा आंसर। छठी अनुसूची की बात हो रही है,
हाँ 1993 में इसकी था, संदीप बख्शी, संदीप बख्शी इसके एमडी सीईओ है। इसके बाद किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को छठी अनुसूची के तहत लाने का प्रस्ताव पारित किया है, क्या होगा इसका आंसर? देखिए पॉलिटी का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पॉलिटी में इस साल बहुत कम क्वेश्चन बने हैं क्योंकि ना तो संसद भवन लगा हुआ है ना कुछ यहाँ पर कोरोना की वजह से, लेकिन ये जो है छठी अनुसूची यहाँ पर लाने का प्रस्ताव जारी हुआ है, तो पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्या होगा इसका आंसर बताइए, किसने किया है ये? अरुणाचल प्रदेश, राहुल बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश होगा काजल इसका, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल, सत्येंद्र द्विवेदी आपका आंसर बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश जो है उसने सचिव अनुसूची के तहत जो है प्रस्ताव जारी किया है, ठीक है। और ये जो है ट्राइबल्स लोगों के लिए, किसके जो अनुसूचित जनजाति होती है उसके लिए जो छठी अनुसूची है उसमें दिया गया है उसके बारे में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। शालिनी अरुणा बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश होगा। हु विल हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सीआईआई के नए फोरम का नेतृत्व कौन करेगा आपको बताना है। सीआईआई, सीआईआई का फुल फॉर्म कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, क्या फुल फॉर्म है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म है। अब बताना है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में इसका नेतृत्व, इसका हेड कौन करेगा, यह आपको बताना है, क्या होगा इसका आंसर, आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाल ही में सीआईआई ने न्यू फोरम स्टार्ट किया है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसका नेतृत्व कौन करेगा? इसका नेतृत्व करेगा आपका संदीप पटेल, कौन करेंगे? संदीप पटेल। देखिए याद कर लिए, जो आपको याद नहीं है उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देख पीडीएफ आपको मिल जाएगा लेकिन आंसर उसमें नहीं मिलेगा, इसलिए आप नोट कर लीजिए जो आपको आंसर याद नहीं है, ठीक है। संदीप पटेल ओली पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये कि भारतीय वायुसेना, फाइव स्टार क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने द्वारा भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, इस ऐप का नाम आपको बताना है, क्या होगा ऐप का नाम? इसमें क्या होगा कि जो भी, जैसे मान लीजिए आपको अगर आपको इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो उसमें यहाँ पर पूरी जानकारी मिलेगी, कोई भी अगर वैकेंसी निकलती है तो यहाँ पर आपको पता चलेगा, तो ये जो ऐप है इस ऐप का नाम आपको बताना है, क्या होगा ऐप का नाम, ठीक है, क्या होगा? राहुल याद नहीं रहना है, हाँ काजल त्यागी सी, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। माई आई एफ बिल्कुल सही है, काजल साली बिल्कुल सही है, ओलिवियस सही है। तो माई आई एफ जो एफ है इसका मतलब होता है इंडियन एयरफोर्स, माई इंडियन एयरफोर्स जो ऐसा एप है जिसमें आप अगर जो आपके जो वैकेंसी जो निकलेंगी वायुसेना की वो यहां पर जानकारी, यहां पर इंफॉर्मेशन यहां पर आपको दी जाएगी, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने चेन्नई में कोयम्बेडू में 45 मिलियन लीटर प्रतिदिन तृतीयक उपचार रिवर्स टीटीआरओ संयंत्र के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर अवार्ड जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसने जीता है ये अवार्ड? बात हो रही है प्रेस्टिजियस ग्लोबल वाटर अवार्ड की, ये भी शायद आपको याद ना हो, पीडीएफ में आंसर होगा, लेकिन पीडीएफ में आंसर हम कर देंगे, ठीक है काजल कर देंगे आंसर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इस कंपनी ने चेन्नई में कोयम्बेडू में 45 मिलियन लीटर प्रतिदिन तृतीयक उपचार हाल ही में जिसका नाम है टीटीआरओ, क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट रिवर्स ऑस्मोसिस, ये पुरस्कार किसने जीता है, कौन सी कंपनी ने जीता है आपको बताना है, ठीक है। इसका जो प्लांट है वो कोयम्बेडू, जो चेन्नई में कोयम्बेडू जो है वहां पर इसका प्लांट है, तो बताइए किसने जीता है? काजल बिल्कुल सही आंसर है, इसका आंसर होगा बीएटेक वेबगेक ओलिविया। राहुल काजल बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा बीएटेक वेबगेक, क्या नाम है इसका? बीएटेक वेबगेक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये बेसिकली किसके लिए? ट्रेटरी जो ऑस्मोसिस रिवर्स ऑस्मोसिस होता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित हाल ही में जो आपका ब्लूम्सबरी है उसने एक पुस्तक प्रकाशित करने के लिए वापस जाने के लिए कौन सा पब्लिशिंग हाउस जिसका नाम है दिल्ली दंगा, इस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, कीवर्ड दिल्ली दंगा 2020 जो हुआ था, द अनटोल्ड स्टोरी की पुस्तक प्रकाशित करेगा कौन सा प्रकाशन, प्रकाशन से आपका क्वेश्चन बनता है, दिल्ली दंगा 2020 को कौन प्रकाशित करेगा आपको बताना है, कौन सा प्रकाशन प्रकाशित करेगा बताइए, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर बताइए। दिल्ली दंगा 2020 जो बुक आई है उसको प्रकाशित कौन करेगा, आंसर दीजिए क्या होगा इसका आंसर, इसको करेगा बिल्कुल सही है ओलिविया सही है, सी गरुण प्रकाशन बिल्कुल सही है, गरुण रोली बुक नहीं है इसमें, रोली बुक नहीं आएगा इसका, आएगा गरुण प्रकाशन, राहुल गरुण प्रकाशन इसका आंसर होगा, सत्येंद्र द्विवेदी बिल्कुल सही है आपका आंसर, गरुण प्रकाशन इसका आंसर होगा। ये दिल्ली दंगा अभी जो हाल ही में 2020 में हुआ था उस पर एक बुक लिखी गई थी, तो उसको जो है गरुण प्रकाशन,
देखिए, एक गरुण का एक आपने सुना होगा, एक गरुण जो आप पुराण सुना होगा अपना, गरुण पुराण, उसमें जो है जो भी सजा मिलती है, इसमें कहा जाता है ऐसा कि जो नरक में जो सजा मिलती है वो गरुण प्रकाशन के तहत मिलती है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, दिल्ली दंगा, गलत काम हुए हैं तो गरुण प्रकाशन यानी गरुण यहाँ पे जो है पुराण से ये सजा मिलेगी। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में किसे क्रिकेट खिलाड़ी को हाल ही में आईसीसी क्रिकेट हॉल फॉर्म दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका जरूर पूछे जाने वाला है, 5-स्टार क्वेश्चन है, 3 लोगों को मिला है आईसीसी क्रिकेट। अब आपको बताना है इन ऑप्शन में से किसको मिला है आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2020 का, किसको दिया गया है, ऑप्शन में बताए गए, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। जेक केलिस, काजल बिल्कुल सही है, राहुल गरुण प्रकाशन होगा सही है, शालिनी बिल्कुल सही है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम अभी किसको दिया गया है, जल्दी बताइए ये किसको दिया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम, जेक केलिस को दिया गया है, ठीक है, इसका आंसर होगा जेक केलिस, ठीक है। तो जेक केलिस को दिया गया, सत्येंद्र बिल्कुल सही है। जेक केलिस कहां के हैं, जेक केलिस साउथ अफ्रीका के हैं, कहां के हैं जेक केलिस साउथ अफ्रीका के हैं। इनके साथ किन किन को मिला है, इनके साथ किस किस को मिला है, सी बिल्कुल सही है ओलिवियर, राहुल सही है, हाँ ये सी है, इसका आंसर सी होगा काजल। देखिए जेक केलिस के साथ जहीर अब्बास को मिला है, किसको मिला है, जहीर अब्बास को मिला है। जहीर अब्बास कहां के हैं, पाकिस्तान के हैं, राहुल सही है, साउथ अफ्रीका के हैं, जेक केलिस ऑलराउंडर हैं, जहीर अब्बास को मिला है। दूसरा नाम आप याद रखें पाकिस्तान के, पूछा जा सकता है। तीसरा नाम है आपका, तीसरा नाम एक लेडीज को मिला है, लीजा स्टालकर के नाम है उनका, क्या नाम है, लीजा स्टालकर। ये कहां की है, ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान रह चुकी हैं। तो एक खिलाड़ी पाकिस्तान का जहीर अब्बास, एक खिलाड़ी जेक केलिस साउथ अफ्रीका, तीसरा खिलाड़ी आपका जो है, तीसरा वुमेन जो है लीसा स्टालकर है। पहली बार जो है ये नाइन्थ वुमेन है, नाइन्थ नंबर की वुमेन है जिनको ये हॉल ऑफ फेम मिला है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की ये पहली वुमेन है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। लीसा स्टालकर एक बार याद, एक बार कमेंट कर दीजिए, लीसा स्टालकर याद नहीं रहता है, ठीक है। ये वुमेन है, एकमात्र वुमेन जिसको 2020 का ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। हाँ ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन है निशा, बिल्कुल सही है, सी इसका आंसर होगा। दो के नाम और लिख दीजिए साथ में, जेक केलिस, जहीर अब्बास एंड लीसा स्टालकर, तीनों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम मिला है, ठीक है। सत्येंद्र बिल्कुल सही है, आंसर लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, देखिए। और इसके बाद एक और चीज है, 2019 का किसको मिला है, 2019 का हमारे भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। सचिन तेंदुलकर आपको याद रखना है, छठवे खिलाड़ी थे जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम मिला है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अजीत यादव सी बिल्कुल सही है इसका, लीसा स्टालकर को जो है लेडीज है जिनको मिला है, ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान रह चुकी है। कौन सा राज्य अपना पहला राज्य ड्रैगन फली महोत्सव थुम्बी महोत्सवम 2020 नाम से मनाया जा रहा है, आपको बताना है 2020 से कौन सा राज्य जिसने अभी ड्रैगन फली महोत्सव जिसका नाम है थुम्बी महोत्सवम ये बनाया है, कौन सा राज्य है आपको बताना है, कौन सा राज्य। हाँ सत्येंद्र, सचिन तेंदुलकर को 2019 का मिला है, भारत के छठे खिलाड़ी बने हैं जिनको हॉल ऑफ फेम मिला है। राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, ये इनको मिल चुका है, कपिल देव है ना, सुनील गावस्कर, ये सबको मिल चुका है, आपको याद रखना है इनके बारे में, ठीक है। छठे खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का, इसका आंसर क्या होगा, कौन सा है, बिल्कुल सही है काजल, इसका आंसर होगा केरला। केरला जो है उसमें जो राज्य का ड्रैगन फेली महोत्सव है थुम्बी महोत्सव में 2020 मनाया जा रहा है, आपको याद रखना है। राहुल केरला बिल्कुल सही है आपका आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए क्या होगा। अजीत यादव बिल्कुल सही, केरला इसका आंसर होगा जिसने ड्रैगन फेली महोत्सव थुम्बी महोत्सव, देखिए बार बार क्वेश्चन को पढ़ने का मतलब है आपको याद हो जाए, यहीं पे याद हो जाए केरला, ठीक है, आपको याद रखना है। जिसको याद नहीं है वो जरूर कमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कौन सा बैंक जो है 17% का अधिग्रहण करने के लिए तैयार है, बताइए आपको मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में कौन सा बैंक ऐसा है जिसने 17% का अधिग्रहण कर लिया है। ये अगस्त का करंट अफेयर है तो अभी तक कर लिया है, ठीक है, आपको याद रखना है कौन सा बैंक है। एक्सिस बैंक बिल्कुल सही है, कर लिया है बिल्कुल, विजेंद्र सही है, चलचली ये कर लिख कर चुके हैं, एक्सिस बैंक ने कर है। किसने किया है, एक्सिस बैंक, काजल त्यागी बिल्कुल सही है, प्रिंस डन, हाँ हो चुका है ये, अगस्त का करंट अफेयर लैंग्वेज उसी टाइप से लिखी है, ठीक है। तो ये कर चुके हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, एक्सिस बैंक, ठीक है, याद रखना एक्सिस बैंक होगा इसका। सत्येंद्र द्विवेदी सही है, अजीत सही है आपका, प्रिंस हाँ डन हो चुका है। देखिए एक्सिस बैंक जो है इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, दो क्वेश्चन आ चुके हैं एक्सिस बैंक के, 1993 स्थापना 1993 में हुई थी, साथ में रिवीजन करते जाइए।
हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, एक साल बाद एचडीएफसी की स्थापना 1994 में, हेडक्वार्टर एक्सिस बैंक मुंबई में। एमडीएनसीओ कौन है, अमिताभ चौधरी इसके एमडीएनसीओ है। कौन है एक्सिस बैंक के एमडीसीओ, अमिताभ चौधरी है। टेगलाइन आपको याद रखना है, बढ़ती का नाम जिंदगी इसकी क्या है, टेगलाइन है, ठीक है, ये चीज आपको। हाँ डाउट क्या है, यहां गगन प्रताप मेन बेच नहीं मिलेगा, अबाउट एक्सिस बैंक के बारे में आपको इतना याद रखना है, ठीक है। करंट अफेयर की क्लास है ये प्रिंस, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही भारत ने किस देश के साथ व्यापार और निवेश से संबंधित परियोजनाओं को पूरा करने और चर्चा करने वाली पहली राष्ट्रीय समन्वय समिति की से अध्यक्षता कौन करेगा, आपको ये बताना है इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारतीय ने किस देश के साथ व्यापार और निवेश से संबंधित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हाल ही में पहली बार राष्ट्रीय समन्वय समिति की से अध्यक्षता करेगा, इसका नाम आप बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर एक्सिस बैंक है उसका, एक्सिस बैंक है उसका। चलते हैं कि इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ 25 तारीख को चारों पार्ट की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। विजयपाल आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, किस देश के साथ व्यापार और निवेश से संबंधित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और चर्चा करने वाली पहली राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता करेगा, कौन सा देश है ये, यूएई नहीं है, उज्बेकिस्तान है इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, उज्बेकिस्तान इसका आंसर होगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है, उज्बेकिस्तान होगा, ए नहीं होगा, उज्बेकिस्तान इसका आंसर होगा, ठीक है, याद रखना है आपको। अजीत ऋतिक इसका आंसर उज्बेकिस्तान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति आयोग ने गन्ना मूल्य को, आप भूल रहे हैं सब, अजीत ऐसे भूलेंगे तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन तो छूट रहे हैं। नीति आयोग ने गन्ना मूल्य को चीनी दरों से जोड़ने का सुझाव दिया है, गन्ना और चीनी उद्योग से संबंधित रिपोर्ट के पैनल में निम्नलिखित कौन सा है, अभी हाल ही में गन्ना का जो रेट कम किया है, सुगर केन का जो रेट कम हुआ है, तो आपको बताना है इसकी जो ये जो मीटिंग बनाई थी, ये जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था, ये आपको बताना है, किसने हेड किया था इसको, ठीक है। वहां उज्बेकिस्तान, काजल सही, अजीत विजयपाल इसका आंसर होगा उज्बेकिस्तान। शालिनी इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर किसने हाल ही में जो गन्ना की जो कीमत को ऊपर नीचे किया है, तो उसमें जो हेड किया, नीति आयोग ने इसके लिए कमेटी बनाई थी, तो कौन है इसके जो है हेड कौन थे, आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, कौन है, इंद्रजीत सिंह नहीं है, बीके पॉल नहीं, ओलिविया बिल्कुल सही आंसर, रमेश चंद्र ने इसको हेड किया था, सत्येंद्र द्विवेदी, राहुल भूल रहा है आप, क्वेश्चन ऐसे नहीं चलेगा, रमेश चंद्र जो है इसका राइट आंसर है, इसने हेड किया था, जिसकी गन्ने की कीमतों को कम किया गया था, इन्होंने सुझाव दिया था, ठीक है, नीति आयोग ने ये कमिटी को गठन किया था, ये सब चीजें हमने आपको डिस्कस की थी डिटेल में, ठीक है। तो काजल सी इसका, रमेश चंद्र होगा, शालिनी अजीत सी बिल्कुल सही, अजीत इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में किसे राज्य में सर्वश्रेष्ठ नर्स के लिए 1,00,000 रुपए के टामी पुरस्कार के लिए चुना गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे राज्य में सर्वश्रेष्ठ नर्स के लिए 1,00,000 रुपए के टामी पुरस्कार यहां पर के लिए चुना गया है, 1,00,000 की राशि दी जाती है टामी पुरस्कार में, नर्स के लिए बात हो रही है, बेस्ट नर्स का पुरस्कार मिला है, नाम याद रखना है पुरस्कार का, टामी पुरस्कार इसका नाम है, बताइए थॉमस पारावती, ड्रे आपका ट्रेसा इग्नोटिस एंटीओपोल या रेशमा मोहंडा, किसको ये मिला है, देखिए एक क्वेश्चन आपको बताना है किसको ये मिला है, क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा रेशमा मोहंडा, ओलिविया बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। देखिए एक ही भारतीय इसमें शामिल है, और ये अगर क्वेश्चन तभी बनता है करंट अफेयर का, कोई भारतीय को कोई पुरस्कार दिया जाता है इंटरनेशनल पुरस्कार, तो ये जो है आपको याद रखना है, टोमी पुरस्कार के लिए जो है 1,00,000 की राशि दी जाती है, बेस्ट नर्स का पुरस्कार रेशमा मोहंडा को मिला है, रेशमा मोहंडा को मिला है राहुल, ठीक है, डी बिल्कुल अजीत सही है आपका, काजल त्यागी बिल्कुल सही है आंसर, ठीक है राहुल इसका रेशमा मोहंडा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन लॉन्च्ड, हाल ही में किसने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ ऐप लॉन्च किया है, बताना है क्या होगा इसका आंसर, हरित पथ ऐप है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या नाम है इसका, हरित पथ ऐप, हिंदी इंग्लिश वाले भी यही याद रखें, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, किसने लॉन्च किया है, सिंपल क्वेश्चन, अगर हाईवे मिनिस्ट्री आपको पता है, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री आपको पता है, सड़क परिवहन मंत्री कौन है अगर आपको पता है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, बिल्कुल सही है, शालिनी, शालिनी इसका आंसर होगा नितिन गडकरी, ठीक है, सत्येंद्र द्विवेदी
नितिन गडकरी, हाँ राहुल रेशमा होगा इसका आंसर, काजल इसका नितिन गडकरी, बिल्कुल सही है। तो नितिन गडकरी ने जो हाल ही में क्या किया है कि हरित पथ ऐप, याद रखें इसको, हरित पथ ऐप ये लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि जो आपके रोड होते हैं उनके अगल बगल जो है वृक्षारोपण किया जाएगा, प्लांटेशन यहाँ पर किया जाएगा। राहुल सही है, ऋतिक बिल्कुल सही है, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते, कमलेश बिल्कुल सही है आपका आंसर, नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बिस्बी स्नूकर चैंपियनशिप जीती है, उसका उसका ये छठवां टाइटल था, ये छठा समय नहीं, ये छठवां टाइटल था, उसने छठवीं बार ये विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीत लिए, तो आपको बताना है इसका नाम क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, फाइव स्टार क्वेश्चन है। डी ऋतिक बिल्कुल सही है, नितिन गडकरी इसका आंसर होगा, शालिनी सही है, नितिन गडकरी आंसर होगा। अब ये बताइए, निम्नलिखित में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती है, उसका आपको बताना है, ये छठवां टाइटल था, मतलब कि छठवीं बार वो जीत चुके हैं, क्या नाम है इनका। ओलिविया बिल्कुल सही आंसर है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर। हाँ राहुल बिल्कुल, काजल बिल्कुल सही आंसर है, रोनी ओ सुल्बियन, रोनी ओ सुल्बियन ने जो है पूरा नाम लिखे याद रहता है, बी ए बी सी डी में प्रॉब्लम होती है, अभी फिर भूल जाएंगे आप, रोनी ओ सुल्बियन जो है आपका बिस्बी स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, एक बार आप ऐसे ऑप्शन लगाइए, एक बार उसका पूरा नाम लिख दीजिए, ठीक है, कमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हमको याद। अजीत यादव बिल्कुल सही है आपका, रोनी ओ सुल्बियन इसका जो है आंसर होगा। ऋतिक बिल्कुल सही है आपका आंसर, ठीक है, इन्होंने क्या है बिस्बी स्नूकर चैंपियनशिप जीती और इनका ये छठवां टाइटल है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस कंपनी ने सीमा पार व्यापार को सक्षम करने के लिए, सीमा पार व्यापार को यानी कि आपके ई कॉमर्स मार्केट को सक्षम करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए नेपाल में सस्टोडियल के साथ भागीदारी की है, किसके साथ, ये आपका नाम है सस्टोडियल, तो इसके साथ किसने भागीदारी की है जो नेपाल में क्या करेगा, व्यापार को बढ़ाएगा, ई कॉमर्स बाजार को बढ़ाएगा। हाँ यूके के प्लेयर है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के प्लेयर है वो, ठीक है आपको याद रखना है, रोनियो सुल्बियन। शालिनी बिल्कुल सही है आपका आंसर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। सत्येंद्र द्विवेदी बिल्कुल सही है, ओलिवे बिल्कुल सही है इसका आंसर, काजल त्यागी बिल्कुल सही है इसका आंसर होगा, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट एक कंपनी है, ई कॉमर्स बाजार को नेपाल में बढ़ाएगी, व्यापार को सक्षम बनाए, देखिए ऐसे याद रखिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए नेपाल में ई कॉमर्स बाजार को बढ़ाने के लिए सस्टोडियल से, सस्टोडियल कहाँ की है, सस्टोडियल नेपाल की कंपनी है, हमारी फ्लिपकार्ट कंपनी जो है, फ्लिपकार्ट ने इसके साथ समझौता किया, आपको आंसर याद रहे साली, फ्लिपकार्ट इसका आंसर होगा। निशा यादव बिल्कुल सही है, फ्लिपकार्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। अब फ्लिपकार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट वैसे ही देखिए, फ्लिपकार्ट एक और बार न्यूज में रहा था, हमने आपको डिस्कस किया था, कर्नाटक के जो हैंडलूम है, जो जंगलों में रहते हैं, कर्नाटक के जो हैंडलूम होते हैं, जो आपको हथकरघा जिनको बोलते हैं, जो हाथ से डिजाइन बनाते हैं, साड़ी बनाते हैं और अलग अलग चीजें जो डिजाइन करते हैं, उनके साथ भी जो है फ्लिपकार्ट ने उनको बढ़ावा देने के लिए उससे ही समझौता किया था, तो ये भी याद रखना है, कर्नाटक के साथ समझौता किया था, कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ, ठीक है ये भी याद रखना है। हाँ नेपाल की कंपनी है, ऋतिक बिल्कुल सही है, फ्लिपकार्ट इसका आंसर होगा। साली लेट कमेंट आ रहा है आपका, फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई थी, किसने फाउंड किया था, हमारे देश के सचिन और बिन्नी बंसल ने, सचिन और बिन्नी बंसल ने इसकी स्थापना की थी, हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर में है, फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, सीईओ इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्याण कृष्ण मूर्ति है, आपको याद रखना, इतनी चीजें आप याद रखें, फ्लिपकार्ट के बारे में क्वेश्चन आपसे बन सकता है। निशा आंसर होगा उसका, फ्लिपकार्ट क्या होगा आंसर, फ्लिपकार्ट आंसर होगा शालिनी, ठीक है चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल आपको बताएंगे। एसबीआई का नया प्रबंधक नियुक्त किया, एसबीआई के बारे में सारे जो मिथ, सारे जो डाउट आपके उठते हैं वो आज क्लियर होंगे। हाल ही में किसको एसबीआई का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया, अगस्त का करंट अफेयर है, ठीक है आपको बताना है कौन बन गए हैं नए मैनेजिंग डायरेक्टर एसबीआई के, आंसर दीजिए क्या होगा इसका आंसर, कौन बन गए एसबीआई के नए प्रबंधक, इसका इसको हम मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं, बिल्कुल सही है अश्वनी भाटिया एमडी बन गए हैं, अश्वनी भाटिया ने पीके गुप्ता का स्थान लिया। देखिए एमडी सीईओ, हर एक कंपनी में आपने एमडी एंड सीईओ देखे होंगे, हर एक कंपनी में एमडी सीईओ एक होता है, लेकिन एसबीआई में चार एमडी एंड सीईओ हैं, कौन से चार हैं अब आपको बताते हैं, अरिजीत बसु भी इसके एमडी एंड सीईओ हैं, ठीक है आपके सी एस सेट्टी भी जो हाल ही में बने वो भी इसके एमडी एंड सीईओ हैं, दिनेश खारा पहले थे लेकिन अब क्या हो गया है, दिनेश कुमार खारा को रजनीश कुमार का, जो रजनीश आपके रजनीश हैं,
रजनीश कुमार उनका स्थान दे दिया, आपको याद रखना है। तो दिनेश कुमार खारा जो हैं अब नए चेयरमैन बन गए, अपडेट हो जाइए, लिखिए चेयरमैन का रजनीश कुमार अब चेयरमैन नहीं है एसबीआई के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा बन गए। पहले ही एमडीएन सीईओ थे, चार एमडीएन सीईओ होते हैं, अब दिनेश कुमार खारा चेयरमैन बन गए रजनीश कुमार के। 7 अक्टूबर को ये 7 अक्टूबर को पदभार संभालेंगे। आपका रेलवे का क्वेश्चन, रेलवे का जो आपका एग्जाम है वो नवंबर में है, तो 7 अक्टूबर को तो आपको ये अपडेट हो जाना है दिनेश कुमार खारा। हाँ, पीडीएफ मिलेगी, सब मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप लिखिए एक बार, अभी चेयरमैन कौन है एसबीआई के, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कुछ तो अपडेट नहीं हो पाते हैं इस वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। रजनीश कुमार अब चेयरमैन नहीं है, बताइए कौन है चेयरमैन, अभी कौन है चेयरमैन। 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को जो है चेयरमैन बन जाएंगे दिनेश कुमार खारा। सब अक्टूबर के बाद ही पेपर है, तो आपसे अपडेट पूछा जाएगा कौन है दिनेश कुमार खारा न्यू चेयरमैन आर राहुल। बहुत बढ़िया, ठीक है, आपको याद रखना है। अभी जो एमडीसीओ, चार एमडीसीओ हैं आपके जो है, अर्जित बसु, अश्वनी भाटी, ये सब एमडीसीओ हैं, ठीक है। एसबीआई की स्थापना 1955 में, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पुराना नाम है, बैंक फॉर एवरी इंडियन इसकी टैगलाइन है, हर भारतीय का बैंक है ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्यों हर भारतीय का बैंक, इसको याद करने का तरीका, सबसे ज्यादा अकाउंट कहां पर है, एसबीआई बैंक में है, भारत में नंबर वन बैंक है भारत का, ठीक है, इस तरीके से आप याद रखें इसको। हाँ, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। अरिजीत बासु भी क्या है, इसके एमडीएन सीईओ हैं, ठीक है, सालनी सब है, लेकिन अभी जो अपॉइंटमेंट हुई वो आपसे पूछी जाती है। तो अभी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो अश्वनी भाटिया की, ये पहले क्या थे, ये एसबीआई के जो एसबीआई कार्ड होता है ना उसके एमडी सीईओ थे, लेकिन अब इसको बना दिया है एसबीआई के, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको हम एक बार क्लियर कर देंगे, ठीक है, इसमें आपको एक बार पूरी लिस्ट बता देंगे इसकी। यहां से एक जरूर क्वेश्चन सालनी इसका आंसर होगा, दिनेश कुमार खारा जो है वो चेयरमैन है, एमडी और जो सीईओ है वो अश्वनी भाटिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स जारी हुआ है, स्टेट की बात हो रही, तो भारत का कौन सा स्टेट है जो नंबर वन आया है, कौन सा स्टेट है। सालनी यादव, दिनेश कुमार खारा अभी रजनीश कुमार का स्थान लेंगे, ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। निशा, इसका आंसर बताइए क्या होगा, नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर इंडेक्स, अभी तक सही आंसर नहीं आया, इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए ये एक इंडेक्स से क्वेश्चन जरूर पूछ जाना है। जो भी राहुल का सबसे पहले आंसर आया है तो गुजरात इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, नीति आयोग ने जो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो निर्यात करते हैं उसमें जो है सबसे नंबर वन जो आया है वो गुजरात आया है, आपको याद रखना है। काजल कमलेश कुमार बिल्कुल सही, ओलिविया सही है आपका आंसर, सत्येंद्र गुजरात, ऋतिक कुमार इसका गुजरात होगा, आपको याद रखना है, ये इंडेक्स है, ठीक है। तमिलनाडु इसका आंसर नहीं होगा, वो कर्ज के मामले में आप बात कर रहे हैं, ठीक है, कर्ज के मामले में बात हो रही, तमिलनाडु नहीं होगा, ठीक है, इसको आप याद रखिए गुजरात होगा। अब बताइए कि यूनियन टेरिटरी कौन आई है नंबर वन, यूनियन टेरिटरी स्टेट गुजरात है, यूनियन टेरिटरी बताइए कौन आई है, केंद्र शासित प्रदेश इसी इंडेक्स में कौन सा आया है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर इंडेक्स में, आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। नीति आयोग के निर्यात तैयार सूचकांक में 2020 में केंद्र शासित प्रदेश गुजरात तो हमारा चलो स्टेट में नंबर वन है, इसमें आप बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में नंबर वन कौन है, ये आपका है यूनियन टेरिटरी में दिल्ली नंबर वन है, नोट कर लीजिए अगर याद नहीं है तो, क्या है नंबर वन, दिल्ली यहां पर इसका है आंसर होगा। एक बार कमेंट कर दीजिए, गोवा नहीं है अविनाश, अविनाश गोवा नहीं है इसका, दिल्ली होगा। राहुल पुंडीचेरी भी नहीं है, दिल्ली नंबर वन है, आपको याद रखना है, ठीक है, भूलिए मत, यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है, सब कमेंट करिए जल्दी। दिल्ली, ओलिवे सही है, कमलेश काजल सत्यन दिल्ली बिल्कुल सही है आपका आंसर। अब बताइए भारत ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हेल में कितने हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है, हेल को गवर्नमेंट, भारत ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, कितनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है, ये आपको बताना है, मतलब बेच दिए अगस्त का करंट अफेयर यानी कि बेच दिए, आंसर क्या होगा राहुल, हाँ दिल्ली होगा। सालनी यादव गुजरात स्टेट है, और आपका अगर यूनियन टेरिटरी पूछे कैंसाल भी वो गुजरात, और आपका न्यू दिल्ली है, ठीक है, हाँ राहुल दिल्ली होगा, दिल्ली। काजल इसका बिल्कुल सही, 15% इसका आंसर होगा, ठीक है, ओलिविया बिल्कुल सही है, सत्येंद्र द्विवेदी बिल्कुल सही है, 15% जो है इसकी इतनी हिस्सेदारी अहल ने बेच दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से प्रभावित गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है, क्या होगा इसका आंसर,
किस राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने COVID-19 के लिए जो है गरीब परिवारों को क्या दे, कितने रुपए देंगे, 200 करोड़ रुपए का पैकेज देने की मंजूरी दी, इतना फंड दिया जाएगा, कौन सी सरकार है। हाँ काजल, ऋतिक बिल्कुल सही है, 15% राहुल इसका 15% होगा, ठीक है। हाँ साली, दिल्ली इसका क्या है, यूनियन टेरिटरी है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, किसने जो है 200 करोड़ रुपए के पैकेज की मंजूरी दी है, क्या होगा इसका आंसर आप बताइए। बिल्कुल सही है ओलिविया, ओडिशा इसका आंसर होगा, दिल्ली नहीं होगा ऋतिक, इसका ओडिशा होगा, दिल्ली पहले वाले का सही है। अविनाश गुप्ता सी मतलब ओडिशा, बिल्कुल सही है राहुल, ओडिशा सही है बिल्कुल आंसर। सभी को आंसर देना, जिसको नहीं आता उसको भी आंसर देना है, आंसर देंगे तो क्वेश्चन आपको याद रहेगा। गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ रुपए COVID-19 से जो मरीज जो प्रभावित हैं, ओडिशा ने 200 करोड़ रुपए यहां पर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, $200 बिलियन की कमाई करने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है, $200 बिलियन की कमाई करने वाला, पहली बार ऐसा हुआ है $200 बिलियन किसी ने, इसका नेटवर्थ होगा, इतनी कमाई किसने की है, नेटवर्थ मतलब टोटल वर्थ है ये, तो आपको बताना है क्या होगा इसका। हाँ साली, 15% पिछले वाले का सही है, क्या होगा। हाँ ऋतिक बिल्कुल सही है आपका आंसर, निशा, हाँ ओडिशा होगा उसका, ठीक है ओडिशा आपको याद रखना है उसका। सत्येंद्र द्विवेदी, मुकेश अंबानी $200 बिलियन कहां पहुंचे हैं, 1 अगस्त का करंट अफेयर आपको, तो पहला व्यक्ति पूछा है इसमें, पहला व्यक्ति पूछा है इसमें, कौन सा नेटवर्थ की बात हो रही है। देखो सत्येंद्र द्विवेदी, इसमें क्या होगा कि जो आप 13 लाख की जो बात कर रहे हैं, वो शेयर मार्केट में जो है 13 लाख पार करने वाले भारत के पहले जो है वो कौन बने हैं, मुकेश अंबानी बने हैं, लेकिन यहां पर नेटवर्थ की बात हो रही है, ये नेटवर्थ होता है टोटल वर्थ, जो टोटल कमाई है उनकी, $200 बिलियन आज तक कोई नहीं पहुंचा है, कौन। हाँ जेफ बेजोस, सत्येंद्र द्विवेदी बिल्कुल सही है, जेफ बेजोस इसका आंसर होगा। जेफ बेजोस कहां के, किसके फाउंडर है जेफ बेजोस, कौन सी कंपनी चलाते हैं जेफ बेजोस। हाँ इंडिया में कंफ्यूज हो रहा है, ये हो जाता है, ठीक है, ये इनकी रैंक ऊपर नीचे हो रही है, अभी फिर से चौथे स्थान पर आ गए मुकेश अंबानी, ठीक है, पहले 7वें पे चले गए थे, पहले 5वें पे आ गए थे, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जो फर्स्ट, ये तो आपका क्वेश्चन बनने का ही है, 5-स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ ओडिशा साली पहले वाले का सही है, 1994 में कंपनी स्टेब्लिश हुई थी, सही है, आप देख लीजिए, अब ये 6 और 20, ये आपका 26 साल के अंदर इन्होंने सबसे अमीर आदमी ये बन गए, ठीक है। आपको भी ऐसा कुछ काम करना है ताकि आप भी जो है ऊपर चले जाए, टॉप पे हों, ठीक है। हाँ अमेजन कंपनी के हैं जो आपके जो जेफ बेजोस है, वो अमेजन कंपनी और पहले आदमी बन गए जिनको $200 बिलियन की कमाई करने वाला पहला व्यक्ति है, ठीक है, आपको याद रखना है इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन प्राइम मिनिस्टर हाल ही में स्वास्थ्य की स्थिति खराब होने के कारण किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे दे दिया, अगस्त का 5-स्टार क्वेश्चन है, 5-स्टार क्वेश्चन है ये, प्राइम मिनिस्टर किसने रिजाइन दिया है, किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने, स्वास्थ्य खराब हो गया था इनका, तो आपको बताइए, ऊपर नहीं जाना है, ऊपर नहीं जाना है इसमें, आपको टॉप पे जाना है, टॉप पे मतलब आपको अमीर आदमी बनना है, ठीक है, अमीर पर्सन पर्सनालिटी बनना है। हाँ 1994 में सेटअप हुई थी, सही है निशा, 15 किसका आंसर पिछले वाले का सही होगा, 15 ओलिविया बिल्कुल सही है, जापान, कमलेश जापान इसका सही है बिल्कुल आंसर, काजल, राहुल कुमार जापान, ठीक है टॉप, शालिनी यादव डी इसका जापान बिल्कुल सही है, शालिनी ओलिविया, हाँ जापान, जापान इसका आंसर है। देखिए जापान के बारे में अभी देखिए एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं अपडेट, ये तो इन्होंने चलो स्वास्थ्य के चलते इन्होंने क्या दिया, ये खुद नहीं चाहते थे कि हमारे देश को नुकसान हो, इसलिए हमने क्या कर दिया, आपका क्या कर दिया इसमें, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, हमारे देश के होते तो स्वास्थ्य खराब हो चाहे कोरोना हो जाए बिल्कुल कुर्सी नहीं छोड़ते, दूसरे देश के हैं, देश के बारे में सोचते हैं, तो उन्होंने क्या है कुर्सी अपनी छोड़ दी। अब ये कुर्सी इन्होंने छोड़ी तो कुर्सी किसको मिली ये आपको यह बताना है, तो ये कुर्सी जो मिली है योशिहिदे सुगा, बिल्कुल सही है राहुल, राहुल बिल्कुल सही है, हाँ आपको याद रखना है बिल्कुल सही, योशिहिदे सुगा न्यू पीएम बन गए इसके, आपको सभी को कमेंट करना है, जिसे सही है ओडिशा, पुराने वाले का ऋतिक कुमार जापान के हैं, अब बताइए जापान का न्यू पीएम, एक बार जो कमेंट करना है आपको, योशिहिदा, योशिहिदा सुगा लिखिए जल्दी जल्दी, योशिहिदा सुगे नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जापान के, आंसर देना है सभी को, सत्येंद्र बिल्कुल सही है, साली पिच ये सही है जापान इसका, लेकिन आप बताइए नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे, जल्दी जल्दी लिख दीजिए, योशिहिदा सुगा इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ये नाम डिफिकल्ट है, याद नहीं होगा आपको, लिख दीजिए योशिहिदा सुगा जापान, अनुज सिंह पीडीएफ चाहिए आपको, पीडीएफ आपको 25 सितंबर को मिले, कल आप बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे, ठीक है 25 सितंबर को सारी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, योशिहिदा सुगा, योशिहिदा सुगा बिल्कुल सही है, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग नहीं, उसके मार्क जुकरबर्ग नहीं, अमेजन के जो है वो जेफ बेजोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेन विल नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की मेजबानी कब की जाएगी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कब की जाएगी, मतलब की जा चुकी है, अगस्त का क्वेश्चन है तो ये कब की गई है आपको ये बताना। नेशनल स्पोर्ट अवार्ड, राजीव गांधी अवार्ड दिए गए, द्रोणाचार्य अवार्ड दिए गए, अर्जुन अवार्ड यहां पर दिए गए, आपको बताना है कब। 29 अगस्त, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है तो खेल पुरस्कार भी कब मिलेंगे? 29 अगस्त को मिलेंगे। लेकिन इंपोर्टेंट चीज आपको बताऊं, सुदीप कर बिल्कुल सही है आपका आंसर, ऋतिक योशुदे बिल्कुल सही, प्राइम मिनिस्टर का नाम टोक्यो जो है कैपिटल की येन है, आपको बता दें एक बार, कैपिटल जो है टोक्यो है और येन इसकी करेंसी है, ठीक है, ये याद रखना है। कोई भी अगर जो आपका देश का कोई क्वेश्चन बनता है कंट्री से, दो चीज कैपिटल करेंसी आपको याद रखना है, ठीक है, हम आपको हमेशा अपडेट कराते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं, किरण रिजिजू ने इन्होंने अभी खेल पुरस्कार की योजना, 29 अगस्त बिल्कुल सही, राहुल 15 सितंबर ने, 29 अगस्त होगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे पहले, 25 लाख रुपए कर दिए गए हैं, जस्ट यहां पर 3 गुना हुआ है, कितना हुआ है, 3 गुना हो गया है, ठीक है। दूसरी चीज अर्जुन पुरस्कार क्या है, 5 लाख दिए जाता था पहले, अब 15 लाख रुपए एक क्वेश्चन, 5 स्टार 10 स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर बनने वाला है, पहले 5 लाख अब 15 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं, आपको याद रखना है अर्जुन पुरस्कार में, यह अभी 2020 में घोषणा की है इन्होंने, प्राइज को बढ़ा दिया गया है, 2.4 पुरस्कार 2 गुना बढ़ा दिए गए, 5 लाख दिया जाता था 10 लाख यहां पर देने जाने लगे, ध्यानचंद पुरस्कार भी दिए गए, 5 लाख की जगह 10 लाख का पुरस्कार कर दिया गया, सब राशि बढ़ी है, नई राशि अपडेट कर लीजिए, इसको तो आप नोट कर लीजिए, 25 लाख राजीव गांधी खेल रत्न, खेल फील्ड में जाएंगे तो 25 लाख रुपए मिलेगा, 7.5 की जगह 25 कर दिया, अर्जुन पुरस्कार 5 लाख की जगह 15 लाख कर दिया, 2.4 5 लाख की जगह जस्ट दुगुना 10 लाख, और आपका जो ध्यानचंद है वो भी 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया, आपको याद रखना है। अब इसको नोट कर लीजिए या फिर आप कमेंट करके इसको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन तो आपका जरूर बनना है, 5 स्टार क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत पैसा है खेल फील्ड में, क्रिकेट फील्ड हो चाहे फुटबॉल, सब में बहुत पैसा है, ठीक है, स्पोर्ट में बहुत ज्यादा पैसा है, पढ़ाई में नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ 25 लाख सबको याद रखना है, सबने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जल्दी डन कर दीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं जल्दी, ठीक है, और जिसको पता हो वो नोट कर लीजिए, याद इसको रखना है। प्रोफेसर प्रदीप छिब्बर, हाल ही में एक प्रदीप छिब्बर हैं और एक हर्ष शाह हैं, इनके द्वारा इंडिया टुडे टुमारो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स की एक पुस्तक लिखी गई थी, अब ये बताना है कि ये किसने प्रकाशित की गई है। देखो दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, किसने किसने लिखी ये वाली पुस्तक, इसका नाम है इंडिया टुडे टुमारो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, प्रदीप छिब्बर ने लिखी है, हर्ष शाह ने लिखी है, दो लोगों ने लिखी है, किसने, प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह, दोनों के नाम आप याद रखें, ये प्रोफेसर हैं। अब ये बताना है कि ये किसने पब्लिश की है, इस पुस्तक को किसने पब्लिश किया, आपको ये आंसर बताना है, ठीक है, डन, हाँ हो गया, किसने पब्लिश किया, हाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, काजल बिल्कुल सही है, सत्येंद्र बिल्कुल सही है, ओलिविया सही है आपका आंसर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज का आंसर होगा, ठीक है। किसने लिखी है एक बार बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए किस किसने लिखी है, दो लोगों के नाम ले दीजिए, नाम भी आपसे पूछे जाएंगे ऑप्शन में, तो नाम का भी आप बता दीजिए जल्दी, कौन सा, हाँ बताइए, प्रदीप छिब्बर इनका नाम है, हर्ष शाह इनका नाम है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है, ठीक है। डी बिल्कुल सही है, निशा आपका आंसर बिल्कुल सही, डी इसका आंसर होगा, सत्येंद्र हाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होगा, राहुल ऑक्सफोर्ड होगा, डी सही है निशा इसका आंसर। निम्नलिखित कौन सा देश हाल ही में सर्फ सर्क द्वारा जारी डिजिटल क्वालिटी लॉ ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है, देखिए बात हो रही है डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। आप डिजिटली, जैसे कि आप बैंक में डिजिटली पेमेंट करते हैं, कोई भी काम आप जब डिजिटली करते हैं तो उसमें क्वालिटी देखी जाती है, उस क्वालिटी के लिए एक इंडेक्स निकाला जाता है कि आप अपना जीवन कितना डिजिटली जी रहे हैं, तो उसको जो है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कहते हैं। वो 2020 की जो रैंक है आपको बताना है, टॉप पर कौन रहा है, नंबर वन कौन रहा है, रिलीज किसके द्वारा होती है, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो सर्फ सार्क के द्वारा रिलीज होती है, राहुल बिल्कुल सही है, सत्येंद्र बिल्कुल सही है, डेनमार्क इसका आंसर होगा, अनुज डेनमार्क होगा, काजल त्यागी डेनमार्क सही है, ठीक है, डेनमार्क नंबर बने। अब बताइए इंडिया की रैंक, जल्दी बताइए इंडिया की रैंक, हमने आपको बताई थी, डिटेल में डिस्कस किया था, इंडिया की रैंक बताइए, सर्फ सार्क ने रिलीज की है, डिजिटल क्वालिटी, हम कितना डिजिटली जीते हैं, हमारा इंडिया कितना डिजिटली जीता है, रैंक बताइए। अविनाश डेनमार्क बिल्कुल सही है आपका आंसर।
इसका बताइए क्या होगा आंसर, कितनी रैंक है इंडिया की, रैंक बताइए जल्दी से। 79 है। हाँ इसकी हाँ बिल्कुल सही है, कोपेहेंगन। इसकी क्या है, क्रोन इसकी करेंसी है, कोपेहेंगन इसकी कैपिटल है डेनमार्क के बारे में, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल सही है। 79 इसकी रैंकिंग आपको याद रखना है, एक बार लिख दीजिए, इंडिया की रैंकिंग पूछी जाएगी, डेनमार्क नंबर वन है, इंडिया जो है आपका 79 स्थान पे है, जो डिजिटल इक्वालिटी लाइव जीता है, ठीक है। 79 इसकी पोजीशन है, ठीक है। साली बिल्कुल सही है, निशा बिल्कुल सही है आपका आंसर, ऋतिक डेनमार्क सही है इसका आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कैंसर के बारे में विख्यात, आपका ऑन्कोलॉजिस्ट अशोक बेद, जो डॉक्टर हैं अशोक बेद, उनके संपादित पुस्तक का विमोचन किया है। देखिए अशोक बेद ने पुस्तक लिखी है, ठीक है। कौन थे ये, ऑन्कोलॉजिस्ट है, यानी कि जो कैंसर जो होता है, कैंसर के बारे में एक बुक लिखी गई है, डॉक्टर अशोक बेद ने लिखी है। अब बताना है इसका विमोचन किसने किया, विमोचन का मतलब किसने रिलीज किया है, वर्चुअली रिलीज हुई थी क्योंकि कोविड-19 का खतरा है। काजल बिल्कुल सही है, 79 अनुज सिंह इंडिया की 79 है, किसने इसको रिलीज किया आपको बताना है। देखिए यहां पर बहुत कंफ्यूजन है, हर्षवर्धन सभी लगाएंगे इसमें, हर्षवर्धन क्यों लगाएंगे, देखिए इसमें लिखा है, देखिए इसमें दो चीजें हैं, हर्षवर्धन ने भी इसको रिलीज किया है, लेकिन इसका आंसर होगा जितेंद्र सिंह। क्या होगा इसका आंसर, जितेंद्र सिंह होगा। इसको एक बार राहुल कंफ्यूजन दूर किया था हमने, इसका आंसर होगा जितेंद्र सिंह। दो लोगों ने इसको किया है, वर्चुअली जो रिलीज किया है वो किया है आपका जितेंद्र सिंह ने। किसने किया है, जितेंद्र सिंह ने किया, आपको याद रखना है इसका, ठीक है। हर्षवर्धन भी आप याद रखें, लेकिन अगर आपको दोनों ऑप्शन मिल रहा है तो जितेंद्र सिंह आपको लगाकर आना है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। असल में क्या हुआ था कि जो आपके हर्षवर्धन थे उन्होंने घर से ही इसको बताया था, लेकिन जो अगर आप बात करें जो वर्चुअली रिलीज किया था ना, वो जितेंद्र सिंह ने किया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऋतिक कुमार, हर्षवर्धन भी आप याद रखें, जितेंद्र सिंह इसका आंसर होगा, ठीक है। 79 सही है असल ने इसका आंसर। किस राज्य की सरकार ने राज्य आपका जो किस राज्य की सरकार ने राज्य बनने के 20 साल बाद, ये राज्य बन चुका है उसके 20 साल बाद, 20 ईयर बाद एक नया प्रतीक लॉन्च किया है, नया जो आपका टैग होता है, आप मोटो कह लीजिए इसको, ये लॉन्च किया 20 साल बाद, किस राज्य ने अपना नया लोगो बना लिया है, लोगो इसको बोले बेसिकली, लोगो इसका किसने बना लिया 20 साल बाद ऐसा हुआ, किस राज्य की सरकार ने नया लोगो बनाया, आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है लोगों से, क्योंकि ये अब कभी कभी तो ये लोगो चेंज होते हैं, तो इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। साली इसका आंसर होगा, आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर, अविनाश गुप्ता ने झारखंड, बिल्कुल सही है अविनाश आपका आंसर। काजल त्यागी सही है झारखंड, सत्येंद्र वेदी झारखंड, ठीक है। साली यादव हर्षवर्धन होगा, जितेंद्र सिंह भी आप याद रखें उसका आंसर, अनुज सिंह झारखंड बिल्कुल सही है, राहुल कुमार झारखंड बिल्कुल सही है। तो झारखंड ने एक नया लोगो लॉन्च किया है, सर्कल एक टाइप का है, इसको बताया था हमने डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में किसे इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वेटोरियल गिनी, देखिए जो कंट्री होती है कभी कभी इनका आप नाम सुनते हैं, उनकी करेंसी और कैपिटल जरूर पूछी जाती है, बताना है आपको। इक्वेटोरियल गिनी के नए प्रधानमंत्री का फिर से इनको नियुक्त कर दिया गया, पहले भी यही थे अब फिर से ये बन गए, तो आपको बताना इक्वेटोरियल गिनी एक देश है, उसके प्रधानमंत्री किसको आगे फिर से ये जारी रखेंगे, क्या होगा इसका आंसर जल्दी बताइए, क्या होगा इसका आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपको याद ना हो। हाँ ये बताएंगे बाद में बताएंगे काजल, मेरी टाइम का होता है, ठीक है। इसका आंसर दीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर, आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा। सी आप दे रहे हैं इसका, सी सी नहीं है इसका आंसर, सी नहीं है, जो भी आंसर डी दे रहा है उसका आंसर सही है, बिल्कुल डी इसका आंसर होगा। इसमें जो आएगा फ्रांसिसो एस्यू जो हैं, फ्रांसिसो एस्यू जो हैं वो हाल ही में जो आपका इक्वेटोरियल गिनी है उसके प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, ये फिर से बन गए, इनका कार्यकाल बढ़ गया है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब फिर से कमेंट कीजिए, फ्रांसिसको पूरा लिखना है, ए बी सी डी नहीं लिखेंगे क्योंकि डिफिकल्ट नाम है, डिफिकल्ट नाम लिखने में ही याद होता है, एक बार लिख देंगे तो एग्जाम में याद आ जाएगा। फ्रांसिसो एस्यू, फ्रांसिसो एस्यू, सालिया झारखंड पहले का सही है, फ्रांसिसो एस्यू जो है वो अभी इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री बन गए, जल्दी फटाफट लिख दीजिए। इक्वेटोरियल गिनी की सबसे बात आपसे यहां से पूछी जाएगी, इसकी जो कैपिटल है इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल आपको याद रखना है मोलाबो, क्या है मोलाबो, इसको याद रखें, एम ए
LABO, मलावो इसकी कैपिटल है। करेंसी, करेंसी यहाँ पे फ्रांक चलती है, फ्रेंक या फ्रांस से आप याद रखें, FRANC इसकी जो है वो क्या है, इसकी करेंसी है। दो चीजें आपको याद रखना है, अफ्रीका की कंट्री है, अफ्रीका कंटिनेंट की ये कंट्री है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। हाँ देखिए, ये जो है आप यहीं से करेंसी याद रख सकते हैं, इसके जो प्रधानमंत्री बन गए ना, यही आप आगे के बस ये पांच वर्ड लीजिए, यही इसकी करेंसी है, बस आपको याद रखना है। इसकी कैपिटल तो मलाबो इसकी कैपिटल है, मलाबो इसकी कैपिटल है, बिल्कुल सही है आपका आंसर, मलाबो इसकी कैपिटल है। फ्रांसी को ऐसू से याद रखें, इसकी ये के इतना इतने इतना याद रखेंगे ना, पांच वर्ड ये कैपिटल है इसकी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ निशा बिल्कुल सही है, फ्रांसी को 80 को इसका आंसर होगा। ऋतिक बिल्कुल सही है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रधानमंत्री डॉक्टर कीथ रोवले ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो बार पहले थे आपका इक्वेटोरियल गिनी के, फ्रांसी को अस्यू, अब फिर से बात हो रही है किस देश के, कीथ रोवले ने, डॉक्टर कीथ रोवले प्रधानमंत्री फिर से बन गए, बताना है आंसर क्या होगा। क्लास बस खत्म होने ही वाला है, ठीक है, 1 घंटे का क्लास होता है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। कीथ रोवले ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया। 10 बजे से क्लास होता है, ठीक है, 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है क्लास डेली। अनुज सिंह नाइजीरिया नहीं है, आंसर बताइए इसका क्या होगा। आंसर जो कीथ रोवले किस देश के प्रधानमंत्री बन गए, नाइजीरिया नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर होगा गुयाना भी नहीं है, इसका आंसर होगा त्रिनाद और टेबेगो। क्या आंसर होगा, त्रिनाद और टेबेगो, हाल ही में न्यूज में आया था, डिटेल में आपको बताया था, ठीक है। हाँ लेट हो गया अनुज आज। हाँ फ्रांस इसकी जो है करेंसी है इसकी, ग्वाना इसका आंसर नहीं होगा, त्रिनाव टवागो होगा, ये आपके कीथ रोबले ग्वाना के कोई और है, ठीक है। कीथ रोबले बन गए, अब इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा इसकी कैपिटल, इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन लिख लीजिए, पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी कैपिटल है। करेंसी आपसे पूछी जाती है, ट्रिनिदाद एंड टवागो में जो करेंसी चलती है वो डॉलर ही चलती है, करेंसी इसकी क्या होगी, डॉलर होगी। हाँ TNT लिख दीजिए, सत्यन द्विवेदी बिल्कुल सही है, पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी, स्पेन स्पेन लिखिए, स्लेन नहीं, स्पेन स्पेन इसकी, स्पेन जो कंट्री है उसी टाइप, पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी क्या है, कैपिटल है, और इसकी जो करेंसी है वो डॉलर होती है, इसकी करेंसी जो है वो डॉलर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हु अमोंग द हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से NPCI की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, NPCI अंतर्राष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड का प्रमुख होगा अन्य देशों में वास्तविक समय भुगतान प्रणाली का विस्तार करने के लिए, आपको बताना है NPCI का कौन होगा, ये ऑलरेडी साइड डिस्कस कर चुके हैं हम, बताइए इसका आंसर क्या होगा। NPCI की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान एक टाइप का ये आप मान सकते हैं, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है, तो रियल टाइम में सिस्टम में दूसरी कंट्रियों में, हमारे देश से दूसरी कंट्रियों में रियल टाइम भुगतान हो सकेगा, बताना है आपको क्या होगा इसका आंसर, किसने हेड किया इस कमिटी को, डॉलर करेंसी है ऋतिक कुमार, उसका आंसर त्रिनाग एंड टवागो होगा, ठीक है, याद रखना है आपको। गुआना के भी बदले, देखिए आप तो आप ऑप्शन देख के लगाते हैं, देखिए गुआना के भी बदले हुए हैं आपके, ये त्रिनाद टोबागो के बदले हुए हैं आपके, इक्वेटोरियल गिनी के भी बदले हुए हैं, तो आपको आंसर अगर आप गुआना देखेगा तो आप गुआना वो लगा के जाएंगे, आपको याद रखना है उनका नाम, ठीक है। रितेश शुक्ला बिल्कुल सही आंसर, राहुल कुमार, रितेश शुक्ला इसका आंसर होगा, ठीक है बिल्कुल सही है। ये क्या होगा, हम यहां से NPCI के माध्यम से क्या कर सकेंगे, दूसरे देश में भी रियल टाइम पेमेंट यहां पर कर सकेंगे, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं को सशक्त बनाने की, देखिए अभी डिटेल आने वाली, डिटेल मत छोड़िएगा, लास्ट में मैंने डिटेल दी है, किस राज्य ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए रिलायंस रिटेल जियो और अलाना समूह के साथ समझौता किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलायंस रिटेल जियो और अलाना समूह के साथ समझौता किसने किया है, आपको बताना है, वुमेन को एम्पावर करने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, हाँ उसका आंसर होगा ऋतिक शुक्ला, रितेश शुक्ला सालनी, इसका आंसर बताइए क्या होगा, बिल्कुल सही है अविनाश, अविनाश इसका आंसर बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश इसका आंसर होगा, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अलाना समूह और रिलायंस रिटेल से इन्होंने क्या किया है, समझौता किया है, आपको आंसर याद रखना है। मध्य प्रदेश नहीं है इसका, इसका आंसर आंध्र प्रदेश होगा अनुज, ठीक है याद रखना है, नोट कर लेना है इसको, रिलायंस रिटेल अलाना ग्रुप वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए। 25 अगस्त 2020 को अगस्त का क्वेश्चन है, WHO द्वारा किस महाद्वीप को जंगली पोलियो मुक्त, इसके बाद हम देंगे आपको डिटेल, ऐसी डिटेल जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। 25 अगस्त 2020 को WHO द्वारा किस महाद्वीप को जंगली पोलियो मुक्त घोषित किया गया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या होगा इसका। हाँ सालनी आंध्र प्रदेश का आंसर सही है, क्या होगा इसका आंसर जल्दी बताइए, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, कमेंट नहीं आ रहा है, हाँ क्या होगा इसका आंसर बताइए जल्दी।
हाल ही में 25 अगस्त 2020 को WHO द्वारा किसको, कौन सा कंटिनेंट है, किसको मुक्त कर दिया गया? अफ्रीका। सत्येंद्र द्विवेदी बिल्कुल सही आंसर है, अफ्रीका कंटिनेंट को जंगली पोलियो मुक्त यहां पर घोषित कर दिया गया है। थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में देख, सभी को आंसर देना, अफ्रीका कंटिनेंट इसका आंसर आएगा जंगली पोलियो मुक्त। अफ्रीका में 4 साल पहले अंतिम मामला आया था नाइजीरिया में, अफ्रीका की एक कंट्री है नाइजीरिया, 4 साल पहले आया था, अब 4 साल से नहीं आया, तो इसको हमने 25 अगस्त को पोलियो मुक्त कर दिया। जंगली पोलियो मुक्त तो बात हो रही है, पोलियो मुक्त तो बात नहीं हो रही है। नाइजीरिया अंतिम देश क्वेश्चन बन सकता है, आखिरी आखिरी वाला जो केस आया था वो नाइजीरिया में आया था, 4 साल पहले आया था अफ्रीका। बिल्कुल सही ऋतिक, साली, राहुल, निशा, बिल्कुल सही है आपके आंसर, पोलियो मुक्त घोषित हो गया। 25 साल पहले की बीमारी थी, हजारों बच्चे यहां से विकलांग हो गए थे, किसी किसी बच्चों की तो जान चली गई थी, 25 साल पुरानी बीमारी, आज 25 अगस्त को मतलब कि पिछले मंथ में फ्री घोषित कर दिया, पोलियो फ्री आपका अफ्रीका। लेकिन अभी भी हमारे एशिया में अफगानिस्तान और पाकिस्तान ऐसे देश है जहां पर यह बीमारी है और बीमारी का कोई इलाज नहीं है। आपको याद रखना है इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, जैसे कि COVID-19 का कोई इलाज नहीं मिल रहा है, ठीक है, धीरे धीरे मिलेगा लेकिन कोई इलाज नहीं है। तो इस वजह से जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान एशिया की दो ऐसी कंट्री है जहां पर अभी भी जो है आपका ये पोलियो, जो आपका वाइल्ड पोलियो, जंगली पोलियो अभी भी है। ये दो कंट्री आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा मीजल फ्री कंट्री, मीजल मुक्त जो देश बन गया श्रीलंका है, मलेरिया मुक्त देश अल्जीरिया अर्जेंटीना, लिखते जाइए मीजल फ्री श्रीलंका, मलेरिया मुक्त जो है अल्जीरिया और अर्जेंटीना, दोनों देश आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीडीएफ बेस से आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लेना। आइसलैंड मॉस्किटो फ्री कंट्री, मच्छर फ्री देश, आपका एक भी मच्छर नहीं है आइसलैंड में, आपको याद रखना है आइसलैंड, ठीक है। गेबोन, गेबोन में पोलियो फ्री कंट्री है, आपको याद रखना है गेबोन में अभी भी एक पोलियो फ्री कंट्री बन गई है। माली के बारे में बात करें तो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है जहां पे एबोला फ्री हो गया है, माली एबोला फ्री हो गया है, आपको याद रखना है। इंडिया जो है वो पोलियो फ्री है, स्मॉल पॉक्स फ्री है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार ये इफेक्ट है, आपको ये याद रख लेना है। इंडिया जो है वो पोलियो फ्री है और आपका स्मॉल पॉक्स फ्री है। पाकिस्तान बिकम द फर्स्ट कंट्री जिसने हाल ही में एक वैक्सीन बनाई है, वो वर्ल्ड की पहली वैक्सीन बनाई जिसका नाम है टाइफोड कंजुकेट वैक्सीन, आप देख सकते हैं पाकिस्तान से ये क्वेश्चन बन सकता है। इसका नाम याद रखें, TCV वैक्सीन है ये, टाइफाइड कंजुकेट वैक्सीन, ठीक है, इसका नाम याद रखना है, पाकिस्तान ने बनाई है। मालदीप और श्रीलंका ने हाल ही में फर्स्ट ऐसी दो कंट्री हो जिन्होंने रुबेला और मीजल्स को 2023 तक का फ्री होने का टारगेट रखा है। मालदीप श्रीलंका आप याद रखें, एक आप पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपको बता दूं, ठीक है, मीजल फ्री हुआ है श्रीलंका, क्या हुआ है, मीजल फ्री हुआ है, लेकिन मीजल फ्री मालदीप नहीं हुआ है, तो श्रीलंका के, श्रीलंका के आसपास के एरिया भी मीजल फ्री नहीं हुए, तो मालदीप में श्रीलंका ने टारगेट रखा है 2023 तक का। दोनों कंट्री की बात हो रही है तो दोनों आपके जो है बीमारी रुबेला और मीजल्स को 2023 तक का जो है इन्होंने टारगेट रखा है, हम यहां पर फ्री हो जाएंगे, ठीक है। स्मॉल पॉक्स जो छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं उसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, जो आपके हेड पे पूरे शरीर में दाने पड़ जाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, देखिए पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, नीचे लिंक मिल जाए, नहीं मिले तो आप डायरेक्ट सर्च कर दें SB Education 36 आप सर्च करेंगे, जैसे ही वहां पर आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए वहां पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आप चलते हैं, विच नेशन विल होस्ट ब्रिक्स, इसकी भी डिटेल आपको बताएंगे, देखिए लास्ट में रुकना जरूरी है, लास्ट में नहीं रुकेंगे तो आपको डिटेल, इसकी डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल बताने वाले हैं। ब्रिक्स गेम जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से, ब्रिक्स खेलों की मेजबानी कौन सा राष्ट्र करेगा, आंसर दीजिए। हाल ही में जो 2021 के ब्रिक्स गेम होने वाले हैं इसकी मेजबानी कौन करेगा, आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा जो है इंडिया जो है ब्रिक्स गेम की मेजबानी करेगा 2021 की, ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद थोड़ी सी डिटेल आपको बताते हैं ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में, हेडक्वार्टर इसका संघई चाइना में, ठीक है, संघई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। फर्स्ट मीटिंग जो ब्रिक्स की हुई थी रसिया ने की थी 2009 में, लास्ट जो होने वाली है 13वीं आप याद रखें इंडिया में 2021 की इंडिया में होगी, क्यों, ये ब्रिक्स के बारे में आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब याद रखें अगर ब्रिक्स गेम आकर 2021 में होने वाले हैं तो हमारे जो नेशनल गेम्स हैं जिनको हम बोलते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 वो भी भारत में ही होते हैं, तो पहला तो ये भारत में जो चौथा संस्करण होने वाला है वो होने वाला है आपका हरियाणा में, हरियाणा में भी कहां,
हरियाणा में भी आपका पंचकुला में, कहां पर? पंचकुला में, पंचकुला में जो है हरियाणा होस्ट करेगा चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम। पहला कहां हुआ था? पहला हुआ था न्यू दिल्ली में, कौन जीता था? हरियाणा जीता था। दूसरा कहां हुआ था 2019 में? पुणे में हुआ था। कौन जीता था? महाराष्ट्र जीता था। थर्ड कहां हुआ था? थर्ड हुआ था गुवाहाटी में, महाराष्ट्र जीता था। फोर्थ कहां होगा पंचकुला के? हरियाणा, हरियाणा में ये होगा। कहां पर होगा? हरियाणा में होगा। ब्रिक्स गेम भी कहां होंगे? ब्रिक्स गेम भी आपके कहां होंगे? इंडिया में होंगे। ये सब याद रखना है आपको, ठीक है? ठीक है सालनी, बिल्कुल सही है इंडिया। नेक्स्ट देखिए, लास्ट तक आप रुकिए, थोड़ी डिटेल आपको मिलेगी, ठीक है? तो ये आपका यही खत्म होता है, अब ये खत्म हो गया, ठीक है? तो अब आपको बताइए, कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए, क्या है कोई डाउट है आपको, फिर हम इस क्लास को बंद करते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है? कल आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर के साथ जो है आपको शाम तक ही पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है? कल अब कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए जल्दी जल्दी। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, स्टैटिक जीके में जो भी हमने इफेक्ट बताए पूछे जाएंगे, और यहां से ये खेलो इंडिया से तो जरूर बनता है, हरियाणा में होने वाला चौथा वाला याद रखना है 2021 का, ठीक है? 18 से चालू हुआ था, न्यू दिल्ली में सबसे पहला हुआ था, ठीक है? हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी पक्का, 25 तारीख को शाम को पीडीएफ मिल जाएगी चारों पार्ट की। और कोई डाउट, कोई डाउट हो तो, नहीं तो फिर क्लास बंद करें, डन डन लिख दीजिए सब जल्दी। डिटेल आपको याद रखना है, डिटेल से क्वेश्चन बनते हैं, ये वाली डिटेल तो यहां से आपका एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ठीक है? नो डाउट, ठीक है, क्लास को यही खत्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।